दोस्तों नमस्कार मेरा नाम शैलेन्द्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पावर सप्लाई के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं तो ज़्यादा डिले ना करते हुए सिंपली मैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ता हूँ आज का हमारा जो विषय है दैट इज द पावर सप्लाई पावर सप्लाई को हम एस के नेम से भी जानते हैं एस एस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन इज डेडिकेटेड टू पावर सप्लाई और एस एक छोटी सी पिक्चर भी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पावर सप्लाई एग्जैक्टली दिखती कैसे है आगे बढ़ते हैं माई डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पावर सप्लाई तो ठीक है बट इसको एस एम पी एस क्यू कहा जाता है तो एस एम पी एस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई एस एम पी एस स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई इट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दैट इफिशियंटली कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर तो जाहिर सी बात है जब पावर सप्लाई की बात होती है तो पावर सप्लाई के बारे में कहा गया है कि ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है तो अल्टरनेट करंट का जब भी आप मोड देखेंगे तो अल्टरनेट करंट का सिंगल मोड होता है जैसे 110 वोल्ट 220 वोल्ट 240 वोल्ट दो वोल्ट वट एवर जितना भी होगा वो सिंगल मोड ही प्रोनाशिएट किया जाएगा लाइक वन वन फाइव टू टू फाइव टू फोर जीरो एवर इस तरीके से ठीक है अब वो सिंगल मोड को जब डीसी में कन्वर्ट करता है तो डीसी के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट काइंड को मिलते हैं जैसे प्लस फाइव वोल्ट डीसी माइनस फाइव वोल्ट डीसी प्लस ट्वेल्व वोल्ट डीसी माइनस ट्वेल्व वोल्ट डीसी प्लस थ्री पॉइंट थ्री वोल डीसी प्लस फाइव वोल्ट डीसी स्टैंड बाई इतने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स में उसे स्विच कर देता है मतलब क्या है मतलब यह है एक सिंगल मोड पावर रिसीव करके मल्टी मोड ऑफ पावर को स्विच कर देना ये इसका नेचर होता है और इसके नेचर के विभाग पे ही पावर सप्लाई को स्विच मोड पावर सप्लाई कहा गया है आई होप सो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल विजुलाइज हो गया होगा कि पावर सप्लाई को एस एम पी एस कहते हैं क्योंकि सिंगल मोड ऑफ ए सी कन्वर्ट और स्विचड इन टू मल्टी मोड ऑफ द डीसी वोल्टेजेस सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी कैन से इट एज अ पावर सप्लाई टू एस एम पी एस ओके सबसे पहले हम समझते हैं पावर सप्लाई होती क्या तो definition नीचे लिखा है तो डेफिनी पावर सप्लाई एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सिस्टम दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर डिवाइसेज और इक्विपमेंट मतलब पावर सप्लाई एक ऐसा उपकरण है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के सारे डिवाइसेज इक्विपमेंट को पावर देने का काम करता है ओके okay? तो डिस्क्रिप्शन में लेफ्ट पैनल पे आप देख रहे होंगे द कंप्यूटर कंपोनेट्स वुड नॉट बी एबल टू ऑपरेट विदाउट पावर जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा कंप्यूटर बिना पावर के नहीं चल सकता है सो अ डिवाइस इन द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड दिस पावर इज द पावर सप्लाई इसीलिए कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशल उपकरण लगा होता है जिसको हम पावर सप्लाई करते हैं और इसी पावर सप्लाई के द्वारा कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को पावर प्रोवाइड होती है और अब इसका मेन काम क्या है अब पावर सप्लाई कन्वर्ट पावर सप्लाई का काम क्या है कन्वर्ट करना क्या कन्वर्ट करना जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जो भी पावर कंपनी आपको सप्लाई दे रही है बिजली की उस पूरे के पूरे वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या लिखा है अ पावर सप्लाई कन्वर्ट वन वन जीरो टू टू जीरो और टू फोर जीरो वोल्ट ए सी इंटू डी सी वोल्टेजेस मतलब आपके घर में जो भी सप्लाई आ रही है या आपके ऑफिस में आपके वर्किंग uh, लोकेशंस में लिविंग लोकेशंस में जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उस पूरे इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट वोल्टेज डीसी करंट में बेसिकली डीसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देना पावर का सप्लाई का काम होता है दैट्स अ कंप्यूटर नीड्स टू ऑपरेट मतलब कंप्यूटर को चलने के लिए जिस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो वोल्टेज बनाता है पावर सप्लाई अब वो वोल्टेज कौन कौन से बनाता है तो नीचे लिखा हुआ है दीज वोल्टेजेस आर मतलब ये वोल्टेजेस हैं जो एसी को कन्वर्ट करने के बाद डीसी बनते हैं और वो डीसी में कितने बनते हैं कौन कौन से बनते हैं वो यहां पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जब डीसी वोल्टेजेस बनते हैं तो पावर सप्लाई हमेशा प्लस फाइव बी डी सी माइनस फाइव बी डी सी प्लस ट्वेल्व वी डी सी माइनस ट्वेल्व वी डी सी ये चार वोल्टेज तो स्पेशली बनाता ही बनाता है साथ के साथ जितनी भी लेटेस्ट पावर सप्लाई है मीन्स मेरा मतलब है ए टी एक्स पावर सप्लाई से ए टी एक्स पी एस यू से तो वो थ्री पॉइंट थ्री और प्लस फाइव वोल्टी सी स्टैंड बाई पावर ये अडिशनली बनाते हैं जो आज की डेट में जितने भी लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं, है सीपीयूज हैं उनको रिक्वायर्ड होती है तो बेसिकली ये ओवरऑल पूरा डेफिनेशन विद डिस्क्रिप्शन है पावर सप्लाई का आई होप सो आपको पावर सप्लाई के कंसेप्ट जो है वो विजुलाइज हो गए होंगे सो माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं पावर सप्लाई यहाँ पे पावर कनेक्टर्स की बात हो रही है तो पावर सप्लाई में हमेशा मुख्यतः चार पर, चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर कनेक्टर्स देखे गए हैं जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं सबसे पहला ड्राइव पावर कनेक्टर दूसरा है एटी सिस्टम कनेक्टर तीसरा है एटीएक्स पावर कनेक्टर और चौथा है स्टैंडर्ड पेरीफिरल पावर कनेक्टर तो स्टार्टिंग के जो दो पावर कनेक्टर आप देख रहे हैं नंबर वन नंबर टू फ्लॉपीटाइप पावर कनेक्टर और टी सिस्टम कनेक्टर आ, मुझे यह बताना पड़ रहा है कि ये दोनों ही पावर कनेक्टर जो है आज की डेट में यूज में नहीं है मतलब ये पूरी तरीके से मार्केट से फ्लश आउट हो गए हैं मतलब बंद कर दिए गए हैं क्योंकि आज की डेट में ना तो आप फ्लॉपी ड्राइव यूज कर रहे हो और ना ही आप एटी मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं तो ये दो पावर कनेक्टर वर्थलेस है आपके लिए बट फिर भी कॉमशिया पैटर्न के अकॉर्डिंग दोनों पावर कनेक्टर्स को हमेशा बताया गया है इसलिए मैं भी यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा ठीक है तो बढ़ते हैं वन बाई वन सारे कनेक्टर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं माई डियर फ्रेंड्स एक एक पावर कनेक्टर तो सबसे पहला पावर कनेक्टर हमारा फ्लॉपी ड्राइव पावर कनेक्टर जो कि आपका यहाँ पे पिक्चर्स में दिख भी रहा है चार पिन का होता है मतलब चार वायर्स का एक कनेक्टर होता है एक छोटी सी वन लाइन डेफिनेशन है इट इट इज टू प्रोवाइड बेसिकली आज की डेट में इसका इस्तेमाल नहीं है तो ये पास्ट की बात की जा रही है इट वॉज यूज टू प्रोवाइड द पावर ऑफ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मतलब कभी जब फ्लॉपी यूज होती थी तब हम इसको यूज करते थे फ्लॉपी ड्राइव को पावर देने के लिए ठीक है अब यहाँ लेफ्ट पैनल पे कुछ राइट right पैनल पे कुछ दिए हुए हैं द फ्लॉपी ड्राइव पावर कनेक्टर इज स्मॉल रेक्टेंगुलर एंड फ्लैट कनेक्टर फॉर फोर पिन चार पिन का ये रेक्टेंगुलर शेप में एक पावर कनेक्टर होता था इट टिपिकली हैड अ अंग मैकेनिज्म टू इंश्योर इट कुड ओनली टू कनेक्टेड इन वन ओरिएंटेशन मतलब ये पूरा का पूरा पावर कनेक्टर कभी भी मतलब साइड बाय साइड नहीं लगता था सिर्फ सिंगल साइड से ही इसको लगाया जा सकता था ऐसे इसकी डिजाइन थे और बेसिकली फ्लॉपी ड्राइव को पावर देना फ्लॉपी इस्तेमाल हम तब करते थे फ्रेंड जब हमारे पास कोई डेटा ट्रैवलर ऑप्शन नहीं हुआ करते थे हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब डेटा ट्रांसफर करना होता था उस जमाने में जब यूएसबी रिकग्नाइज नहीं हुई थी तब हम फ्लॉपी ड्राइव का ही इस्तेमाल करते थे और इसी फ्लॉपी डिस्क के थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डेटा मूव करते थे और पहले के डेटा इतना हाई डेफिनेशन डेटाज नहीं होते थे हाई डेफिनेशन ऑफ ना तो कैरेक्टर्स ना ही पिक्चर्स वीडियोज वगैरह तो उनकी ओवरऑल जो कैपेसिटी थी फ्लॉपी की वन पॉइंट फोर फोर एम बी मैग्जिम कैपेसिटी थी आप समझ सकते हैं यदि मुझको दस दस बारह पंद्रह बीस पच्चीस पचास एम बी डेटा ट्रांसफर करना है तो कितनी नंबर ऑफ फ्लॉपी का यूज किया करते होंगे

प्लस ट्वेल्व वोल्ट डीसी येलो कलर के वायर में फ्लो होती थी और दोनों ही प्लस के साथ ब्लैक कलर की वायर जीरो वोल्ट डीसी के लिए लगी होती थी जिससे उसकी पूरी सर्किट्री कंप्लीट होती थी और फ्लॉपी ड्राइव हमारी परफॉर्म करती थी या रन करती थी नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया है कितनी वोल्टेजेस आती थी कितने वायर्स होते थे और किस पर्टिकुलर वोल्टेज का क्या यूज यूज होता था तो इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दिया है फ्लॉपी ड्राइव का बट अपने दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आप बना लो कि फ्लॉपी ड्राइव का अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है मार्केट में आपको ये फ्लॉपी ड्राइव पावर कनेक्टर किसी बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होंगे उसमें देखने को मिल भी जाएगा बट अब ये फ्लॉपी ड्राइव पावर कनेक्टर आपको देखने को भी नहीं मिल सकता है तो बढ़ते हैं अगले कनेक्टर की तरफ माय डियर फ्रेंड्स अगला अगला कनेक्टर हमारा एटी सिस्टम कनेक्टर इस पर्टिकुलर कनेक्टर का इस्तेमाल हम एटी मदरबोर्ड को पावर देने के लिए किया करते थे आप देख सकते हैं दो अलग अलग पावर कनेक्टर डिस्प्ले किए हुए हैं यहां पे तो दो पावर कनेक्टर ही होते थे मतलब छ छे पिन के दो अलग अलग पावर कनेक्टर हुआ करते थे और इनका इस्तेमाल ए सिस्टम को मतलब टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड जो हुआ करते थे उनको पावर देने के लिए इसका यूज किया जाता था तो एटी सिस्टम कनेक्टर के नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इट वॉज यूज टू प्रोवाइड द पावर ऑफ एटी मदर मतलब आज की डेट में हम ए टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पावर कनेक्टर का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है ये एटी मदर के साथ ही बंद हो गया तो राइट पैनल पर आप जाएंगे तो एटी पावर कनेक्टर्स आर लार्ज रेक्टेंगुलर कनेक्टर्स विद टू रॉज ऑफ सिक्स पिन मतलब दो सेपरेट अलग अलग पावर कनेक्टर होते थे छ छ पिन के एंड दे आर टिपिकली व्हाइट इन कलर मतलब ये सफेद कलर के व्हाइट कलर के पावर uh, कनेक्टर्स होते थे और इनका बेसिकली इस्तेमाल एटी मदर बोर्ड को पावर देना होता था और इसमें मुख्यतः दो वोल्टेजेस पर कनेक्टर दो मुख्य वोल्टेजेस कैरी करती थी प्लस फाइव बी डी सी ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व बी डी सी और उनके साथ माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व ठीक है ये मुख्यतः चार अलग अलग पावर कनेक्टर पावर आ, कैरी करते थे ये और आ, इस पर्टिकुलर पावर कनेक्टर का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता था एटी टाइप ऑफ मदरबोर्ड को पावर देने के लिए इस तरीके से ए सिस्टम कनेक्टर का इस्तेमाल ए मदरबोर्ड को पावर देने के लिए किया जाता है ये मुख्य रूप से छ छ पिन के दो सेपरेट पावर कनेक्टर होते हैं मदरबोर्ड पे बेसिकली ये डायरेक्ट लग जाते थे और साइड बाय साइड ब्लैक इनसाइड करके इनको कनेक्टर्स को लगाया जाता था बट आज की डेट में ए टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो ये पर्टिकुलर पावर कनेक्टर भी इस्तेमाल में नहीं है सो माई डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट कनेक्टर की तरफ और अगला कनेक्टर है ए पावर कनेक्टर ATX पावर कनेक्टर सिंपली ये 20 पिन का पावर कनेक्टर होता है जनरली वैसे 24 पिन का होता है बट इसका 20 पिन ही इन यूज है अभी के लिए आगे की कोई डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज जो है ATX मदरबोर्ड के साथ जो एक्सटेंड की जाएगी उसको यदि पावर रिक्वायर्ड होगा तो अगले चार पिन या अन्य जो भी जितने भी अनयूज पिन हैं उनके द्वारा उनको वोल्टेजेस या पावर प्रोवाइड की जाएंगी बेसिकली ट्वेंटी ट्वेंटी पिन का सिंगल पावर कनेक्टर होता है इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ए मदरबोर्ड को पावर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसमें मुख्यतः छह वोल्टेजेस कैरी करती हैं जिसमें प्लस वीडीसी माइनस फाइव वीडीसी प्लस ट्वेल्व वी डी सी माइनस प्लस थ्री पॉइंट थ्री डीसी एंड प्लस फाइव वोल डीसी स्टैंड बाई पावर और इन सबके साथ ब्लैक ग्राउंड वायर्स मीन जीरो वोल्टेज डीसी लगे होते हैं जो सर्किट्री को कंप्लीट करने का काम करते हैं तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पावर कनेक्टर का नेम है एटीएक्स पावर कनेक्टर और इस पर्टिकुलर कनेक्टर का किया जाता है, जितने भी होते है, उन में जो मदरबोर्ड लगे होते हैं उन मदरबोर्ड को पावर देने के लिए एटीएक्स पावर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है लेफ्ट पैनल पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं पूरा नाम होता है पावर पावर सप्लाई कनेक्टर यूज्ड यूज इन मोस्ट मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर्स जितने भी मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं मीन्स जितने भी एटीएक्स मदरबोर्ड्स होंगे उन सबको पावर देने के लिए एटीएक्स पावर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है द पावर कनेक्टर कनेक्शन फॉर द मदर बोर्ड इज आर ट्वेंटी फोर पिन कनेक्टर्स चौबीस पिन का कनेक्टर होता है एंड दिस कनेक्टर प्रोवाइड बोर्ड थ्री पॉइंट थ्री एंड प्लस फाइव वोलडीसी प्लस ट्वेल्व वोलडीसी पावर टू द मदर बोर्ड मदर बोर्ड को जितने भी रिक्वायर्ड uh, वोल्टेजेस होती हैं चाहे वो प्लस थ्री पॉइंट थ्री हो प्लस फाइव वोल्ट प्लस फाइव माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जितने भी रिक्वायर्ड वोल्टेजेस होती हैं कंप्लीट पावर सप्लाई इस पर्टिकुलर कनेक्टर के द्वारा दी जाती है सो माय डियर फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर पावर कनेक्टर का इस्तेमाल आज की डेट में किया जाता है क्योंकि लेटेस्ट में जितने भी डेस्कटॉप टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं या जितने भी मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें जो मदरबोर्ड यूज होता है वो ATX मदरबोर्ड होता है और ATX मदरबोर्ड को पावर देने के लिए ATX पावर कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है सो माय डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले कनेक्टर की तरफ जिसका नाम है स्टैंडर्ड पेरीफेरल पावर कनेक्टर स्टैंडर्ड पेरीफेरल पावर कनेक्टर्स का इस्तेमाल बेसिकली कंप्यूटर में जितने भी पेरीफेरल स्टोरेज डिवाइसेस लगी होती हैं इंक्लूड इंक्लूडिंग हार्ड डिस्क ऑप्टिकल ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जितने भी लगी होती हैं कंप्यूटर में उनको पावर देने के लिए हम स्टैंडर्ड पेरीफेरल पावर कनेक्ट कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तो दीज कनेक्टर्स आर यूज प्राइमरली फॉर प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग पावर टू पेरीफेरल्स and components inside a computer case such as hard drives optical drives and solid straight drives uh, right panel because description the our my reference molex connectors also uh, known as four pin peripheral connectors were ones of the most uh, uh, prevalent type of power connectors फॉर प्रेरफ इन ओल्डर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम्स ये बेसिकली इस पर्टिकुलर कनेक्टर को हम मोलेक्स कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं और इस पर्टिकुलर कनेक्टर का इस्तेमाल जो आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है इसको बोलते हैं मोलेक्स कनेक्टर और ये जितने भी ओल्ड टाइप ऑफ ओल्डेस्ट टाइप ऑफ जितने भी हार्ड ड्राइव्स या ऑप्टिकल ड्राइव्स आती थी उनको पावर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था अब आज की डेट में थोड़ा सा बदलाव हो गया है बदलाव कुछ ये हो गया है कि जितने भी लेटेस्ट हार्ड ड्राइव और स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव्स या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एस जो आने लगी हैं वो अब स्टैंडर्ड एस आने लगी हैं स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव आने लगी है जिसको बोलते हैं साटा और उस पर्टिकुलर साटा के लिए एक अलग तरीके का पावर स्मार्ट पावर कनेक्टर का इस्तेमाल होता है वो अगली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे बट ये जो अभी आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है स्टैंडर्ड पेरीफिलर पावर कनेक्टर में ये बेसिकली मोलेक्स कनेक्टर कहलाता था और ये जितने भी ओल्ड टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव्स होती थी उनको पावर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था सो डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले कनेक्टर की तरफ जिसका नाम है साटा पावर कनेक्टर साटा पावर कनेक्टर का इस्तेमाल आज की डेट में जितने भी लेटेस्ट हार्ड ड्राइव्स हो गए लेटेस्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गई और जितने भी लेटेस्ट ऑप्टिकल ड्राइव्स हम इस्तेमाल कर भी रहे हैं कहीं नहीं भी कर रहे हैं ऑलमोस्ट 90 परसेंट ऑप्टिकल ड्राइव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि सी डी डीवीडीज मार्केट से ऑलमोस्ट फ्लश आउट हो गई हैं तो अब हम सी डी का डी डीवीडीज का यूज हम एज अ यूएसबी के थ्रू उसका यूज लेने लगे हैं तो इसलिए उनकी डिमांड जो है मार्केट से खत्म हो गई बट जितनी भी लेटेस्ट हार्ड ड्राइव्स हैं या जितनी भी लेटेस्ट एस हैं या जितनी लेटेस्ट ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं उनमें जो पावर कनेक्टर्स uh, का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं साटा पावर कनेक्टर और ये ऑलमोस्ट 15 पिन का पावर कनेक्टर होता है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखती है तो साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पावर कनेक्टर्स आर a type of power connectors commonly used in modern computer and other electronic devices to power supply to various components प्राइमरली स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेड ड्राइव्स को पावर देने के लिए इस पर्टिकुलर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है माइडियर फ्रेंड्स सो ये रहा पावर कनेक्टर जो आज की डेट में जितनी भी लेटेस्ट हार्ड ड्राइव्स आ रही हैं या सॉलिड स्टेज ड्राइव्स आ रही हैं इस एस डीज आ रही हैं उनको पावर देने के लिए साटा पावर कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं बढ़ते हैं लास्ट पावर कनेक्टर की तरफ डियर फ्रेंड्स जिसका नाम है पी फोर एम बी कनेक्टर जितने भी लेटेस्ट मदर बोर्ड आ रहे हैं उन मदर में जो भी पावर सप्लाई या कहें कि जो uh, पेंटियम फोर हमारा सीपीयू हुआ करता था वहां से इस पर्टिकुलर यू नो कनेक्टर का प्रचलन है क्योंकि उसको अलग से एडिशनल प्लस ट्वेल्व वोल डीसी की रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोसेसर को अलग से प्लस ट्वेल्व वोल डीसी की रिक्वायरमेंट होती थी तब वो ऑपरेट होता था यदि ये पर्टिकुलर कनेक्टर मदरबोर्ड पे ना लगाया जाए तो आपका पावर यू नो जो सीपीयू है बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को पावर नहीं मिलेगी और वो काम नहीं करेगा तो ये एक एडिशनल पावर कनेक्टर लेटेस्ट कंप्यूटर के साथ आने लगा है जिसमें इस पर्टिकुलर कनेक्टर का, का काम जो प्रोसेसर लगा होता है मदरबोर्ड पे स्पेशली उसको 12 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट होती है और ये पर्टिकुलर कनेक्टर उसी को पावर देने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है जिसको पी फोर कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है लेफ्ट पैनल पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन है द फोर एम कनेक्टर इज ऑफन रेफर टू एज अ सी पी यू पावर कनेक्टर बिकॉज इट प्राइमरली पावर टू सी पी यू एंडोसिएटेड कंपोन स्टेबल एंड सफिशियंट पावर टू द सी पी यू टू इंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन बेसिकली इस पर्टिकुलर चार पिन के कनेक्टर का इस्तेमाल हम लेटेस्ट जितने भी पावर यू नो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं उनको हम अलग से पावर देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं माइडियर फ्रेंड्स इस तरीके से पावर सप्लाई क्या होती है पावर सप्लाई में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर कनेक्टर्स का इस्तेमाल होता है वो दिखते कहते कैसे हैं उनका डिस्क्रिप्शन क्या होता है किस कंपोनेंट्स को पावर प्रोवाइड कराते हैं वो कनेक्टर्स इस तरीके से हमने सारे पावर सप्लाई के कनेक्टर्स और पावर सप्लाई के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज गेन किया है हमारे इस पूरे ओवरऑल वीडियो प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग सो so, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ जो थ्योरी भी हो सकता है प्रैक्टिकल भी हो सकता है तो आप चैनल के साथ रेगुलरली बने रहें अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन सो माय डियर फ्रेंड्स अभी आज के लिए इतना काफी है पावर सप्लाई के बारे में हमने यहां पे डिस्कस किया मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स